तो आज दंगल में बात बिहार की राजनीतिक दंगल की, जिसके किरदार में एनडीए के नेता मंत्री भी हैं और विपक्ष भी। सभी जाति के चश्मे से राजनीतिक दंगल लड़ना चाहते हैं। हुआ यूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समुदाय पर ऐसा बयान दिया कि बिहार की उमस भरी गर्मी में राजनीति ने तापमान को और बढ़ा दिया। मंत्री अशोक चौधरी अपनी पार्टी में भी घिर गए और सहयोगी बीजेपी के नेता मंत्री भी उन पर सवाल उठाने लगे। सत्ता से बाहर बैठी आरजेडी ने तो करारा वार कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस समुदाय ने रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जैसे महान कवि दिए, जिस समुदाय से बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह बने, उस समुदाय पर बयानबाजी करने की जरूरत नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी को क्यों आन पड़ी। हालांकि चौतरफा गिरगिरी होने के बाद अशोक चौधरी ने अपनी सफाई भी दे दी, लेकिन क्या इस सफाई से यह चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, या फिर इसके द्वारा बिहार में जातीय गोलबंदी और बढ़ेगी। बिहार एनडीए में खटपट का मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। बिहार एनडीए में जाति जनगणना जैसे मुद्दे भी सत्ताधारी पार्टियों के बीच कांटे की तरह अटके हुए हैं और आज इन्हीं मुद्दों पर होगी लोकतांत्रिक ढंग से बहस। लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। नीतीश के मंत्री के इसी बयान पर बवंडर मचा है। अशोक चौधरी जहानाबाद पहुंचे तो थे क्षेत्रीय दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर, लेकिन विवादों का फीता काट दिया। कुछ लोग जात पात की राजनीति करके नीतीश कुमार ने क्या जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। अभिराम शर्मा राजू जी के छोड़ करके हम कोई बढ़िया बड़ा भूमिहार का नेता नहीं देखे जो वोट मांग रहा था चंद्रबंस जी के लिए। हम जब दरवाजे दरवाजे घूमते थे तो कहते थे कि चंद्रबंस जी युवा वोट आपका उम्मीदवार चल चर बार आपका उम्मीदवार भूमिहार से जीतेगा, खराब होगा तो उसके लिए कहिएगा बढ़िया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने जहानाबाद से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट दिया था, लेकिन वो हार गए। इसका सारा ठेकरा नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी ने भूमिहार समुदाय पर फोड़ दिया। बिहार में जाति आधारित सर्वे रिपोर्ट में आबादी के हिसाब से देखें तो भूमिहार की आबादी 2.86% है, जबकि आर्थिक तौर पर 27% भूमिहार है। इसी आंकड़े के दम पर तेजस्वी यादव जेडीयू के मंत्री और बिहार के एनडीए सरकार को आईना दिखा रहे हैं। जदयू पार्टी का चरित्र ही ऐसा है, ये लोग जाति उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं, इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो उल्टा सीधा बोलिएगा। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जिसको वोट देना वो देता है। बिहार की सियासत में फिलहाल नीतीश कैबिनेट में दो मंत्री भूमिहार समुदाय से हैं, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। बीजेपी के खाते से डिप्टी सीएम बने विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार समुदाय से आते हैं। उन्होंने अशोक चौधरी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन सब कुछ कहकर जता दिया कि उनका बयान शर्मनाक है। वहीं पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू भी अशोक चौधरी के बयान पर आश्चर्य जता रहे हैं। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है, और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। खास करके जो एनडीए है उसमें भूमिहार समाज का बड़ा स्थान है। आप देख रहे हैं कि जेडीयू की बात करें तो वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ललन बाबू रह चुके हैं, आज केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में, तो नीतीश कुमार जी के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है। ऐसा मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई बात है। अशोक जी किस परिस्थिति में बोले ये तो अलग बात है।
भूमिहार पर बयान देकर अशोक चौधरी अपनी ही पार्टी जेडीयू में अलग थलग पड़ गए हैं। तक माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने जिह्वा पर जाति का नाम नहीं लाया, लेकिन राज्य के काबीना मंत्री हैं, कटिहार के चुनाव के प्रभारी थे, अति पिछड़ा उम्मीदवार था, वहां हार गए, कितने दिनों तक प्रवास किया था यह नहीं बताया। जनता दियुल में रहते हुए जो लोग पार्टी का साथ नहीं दिए चुनाव में, उनके बारे में हमने कहा। इसको लोग, मेरे पूरा बयान, मेरा पूरा भाषण पढ़िए, सुनिए क्या हमने कहा। एनडीए के बीच खटखट का दूसरा चैप्टर भी बिहार में खुला है। आरजेडी ने चिराग पासवान को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया तो सियासी कयासबाजी तेज हो गई, जिस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए चिराग पासवान ने अमित शाह से शुक्रवार को ही मुलाकात की। करा लिया। अब ये तीन सांसद जो एलजीपीआर के हैं, वो आपको बहुत जल्द बीजेपी में समाहित हो जाएंगे। क्या लगता है, चिराग पासवान और बीजेपी में दूरियां बढ़ रही है, आप लोग चिराग पासवान को अपने साथ लेंगे क्या? अभी भी समय है चिराग जी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिस तरीके से बिहार का विकास रुका हुआ है, बिहार के सियासी चैप्टर के तीसरे हिस्से में एनडीए के बीच किचकिच का मुद्दा जाति जनगणना भी है। जेडीयू ने जाति जनगणना की मांग करके बीजेपी के सामने बड़ी लकीर खींची है। नीतीश कुमार और जनता दल यू इस जातिगत जनगणना का जन्मदाता भी है, पक्षधर भी है, और सबसे पहले हम ही ने कराई है। मंडल के दौरान 52% पिछड़ों की जनसंख्या आकी गई थी, जो अब बिहार सरकार के बाद लगभग 66% निकाली गई है। जातिगत सर्वे को सियासी हवा देने की तैयारी आरजेडी ने कर रखी है। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रविवार यानी कल आरजेडी पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी। यानी एक तरफ एनडीए के अपने ही घटक दल बयानों के जरिए सिरदर्द बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी घेरने में जुटा है। ऐसे में अगले साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के सियासत की तासीर गर्म रहेगी। सहरसा से धीरज कुमार सिंह, पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे साथ इस समय प्रदीप भंडारी जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, अंजुम आरा जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी और धीरेंद्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को नमस्कार। चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आप सभी मेहमानों से ये निवेदन कि जब एक मेहमान बोले तो आप उसे टोके ना, आप की बारी आए जब आप बोलें। और चर्चा की शुरुआत में हम दो दो मिनट दे रहे हैं, मैंने टाइमर लगा लिया है। अंजुम आरा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं, दो मिनट बाद आपको रोक दूंगा। अंजुम जी और आप सभी से, आप सभी अपनी अपनी बारी आने पर ये इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आप भारतीय राजनीति में जाति के महत्व को स्वीकार करते हैं? क्या अंजुम जी, आपकी पार्टी जेडीयू जब टिकट देती है तो दिल पर हाथ रखकर आप ये कहिए, आप ये स्वीकार कर पाएंगे अंजुम जी कि हाँ, हम जहां जिस जाति के लोग अधिक होते हैं उसी जाति के का उम्मीदवार बनाने का प्रयास करते हैं? क्या आज आप ये ईमानदारी से कह पाएंगी या आप भी राजनीति करते हुए ये कह देंगी कि जेडीयू और नीतीश कुमार जाति आधारित राजनीति नहीं करते? अंजुम जी बताइए। बिल्कुल सर, मैं बहुत ही जवाबदेही के साथ और ईमानदारी के साथ मैं बोलूंगी कि देखिए, जाति की जो बातें हैं उसको कोई भी नहीं डिनाई करेगा कि जाति जो है एक हकीकत है, एक सच्चाई है। जब हम फॉर्म भी भरते हैं ना तो उसमें कास्ट हम डालते हैं, तो इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता है। दूसरी बात रही जहां हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की और हमारी पार्टी की, तो निश्चित रूप से जो संविधान में प्रोविजन है कि तमाम वर्गों का रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित हो सके हाउस में, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब टिकट बंटवारे को लेकर के आपने सवाल किया है, तो हमारी पार्टी और हमारे नेता, मैं बिल्कुल स्वीकार करती हूँ कि इस बात का पूरा वो ध्यान रखा जाता है
कि संविधान के उन प्रोविजंस को कि तमाम वर्गों का रिप्रेजेंटेशन सदन में हो सके इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। और यही कारण है कि जब टिकट बंटवारा होता है तो आप देखेंगे कि तमाम वर्गों का, चाहे वो महिला हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य वर्ग हो या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हो, तमाम वर्गों का रिप्रेजेंटेशन सदन में सुनिश्चित हो सके इसकी व्यवस्था हमारे जब चुनाव होते हैं तो टिकट वितरण के दौरान हमारे हमारी पार्टी निश्चित रूप से करती है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आज बिहार में राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम कहें पंचायत व्यवस्था में और नगर निकाय व्यवस्था में तो हमारे हमारी सरकार ने उसकी व्यवस्था कर रखी है। उसी तरह से पिछड़ा वर्ग, आप सईद साहब आप देखेंगे कि बिहार एक समय था जब उग्रवाद और नक्सलवाद प्रभावित ये क्षेत्र था, ये प्रदेश था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन तमाम वर्गों को आरक्षण दे करके, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति वर्ग हो या महिला वर्ग हो, इन उग्रवाद और नक्सलवाद जैसी समस्या पे अंकुश लगाने का काम किया है। तो हमारी पार्टी, हमारे नेता, मैं इस बात को मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि जब टिकट बंटवारे का वक्त आता है तो इसका पूरा ध्यान रखा जाता है कि तमाम वर्गों का प्रतिनिधित्व सदन में। मैम 2 मिनट हो गए, आप रुक भी गई, बहुत साफ गोई से आपने बात की है। अशोक चौधरी जी की बात से तो बिल्कुल सहमत हैं, आपके इस उत्तर से हमें यह स्पष्ट लग गया, हम मान लें आप उनके बयान से सहमत हैं, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। नहीं सईद साहब देखिए, माननीय मंत्री हमारे श्री अशोक चौधरी जी ने, अभी मैं आपकी स्क्रीन पे देख रही थी कि आप लोग एक फुटेज चला रहे हैं, मेरे पूरे उस बयान को देखा जाए। और रही बात हमारी पार्टी का लाइन, तो हमारी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री नीरज कुमार जी ने अभी स्पष्ट, मैं आप ही की स्क्रीन पे मैंने देखा जो पार्टी का लाइन था, उन्होंने कहा कि कभी भी हमारे नेता या हमारी पार्टी किसी चुनौती हम लोग देते कि जात शब्द का, किसी जाति का नाम जबान पे नहीं लाया जाता, वर्ग की हम बात अंजुम जी समझ में, अंजुम जी 1 मिनट में आप बदल गई जी, 1 मिनट पहले आपने पूरा 2 मिनट का व्याख्यान दिया कितनी अच्छी तरह से, वर्ग की बात और कैसे आप बदल गई एकदम से, आप क्या सईद जी, सईद जी जाति नहीं, हम वर्ग की बात करते हैं और वर्ग की बात, वर्ग की बात हमारा संविधान भी करता है। ठीक है ठीक है मैम, मैं आगे आता हूँ। प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप जी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ऐसे कैसे विश्वास पैदा होगा जब आपके सहयोगी और सहयोगी दल के मंत्री ये कह देते हैं कि एक विशेष वर्ग जो है, एक विशेष जाति जो है, वो काम करवा लेती है लेकिन वोट हमें नहीं देती और उन्हें अब हम टिकट नहीं देंगे, कैसे समर्थन करेंगे या इसका विरोध करेंगे आप? प्रदीप जी, सैयद जी मेरी तरफ से आज तक के सभी दर्शकों को नमस्कार। सैयद जी आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, मैं पहले आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहता हूं। अशोक चौधरी जी के बयान के ऊपर ये स्पेसिफाई कर दिया गया है कि उनकी इस निजी राय से कोई भी संबंध नहीं रखता, पर अगर उस पूरे बयान को हम पूर्ण रूप से देखेंगे तो उसमें ये भी वो बात कहते हैं कि एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार जाति, जो जातियों की बात नहीं करती, जातियों के बीच में राजनीति की बात नहीं करती, सभी जातियों के विकास की बात करती है। अब आपने इसके पहले पूछा सैयद जी कि क्या जाति एक नेसेसिटी इंडियन पॉलिटिक्स के बीच में, मैं ये समझता हूं इस वक्त सैयद जी कि पहले की जो सरकारें हुआ करती थी वो सिर्फ जाति विशेष के विकास की बात किया करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार, अगर आप डेवलपमेंटल पैरामीटर्स देखेंगे, भले वो अति पिछड़ा वर्ग हो गया, भले वो भूमिहार हो गया, हर वर्ग के सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है। इसका यह मतलब नहीं कि जातीय रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, जातीय रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर जातिवादी राजनीति के खिलाफ हमें जातीय रिप्रेजेंटेशन का हम समर्थन करते हैं। इसीलिए अगर आप कास्ट सेंसस की भी बात करें तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि कास्ट सेंसस के बारे में उचित समय पर हम सूचित करेंगे, इन प्रिंसिपल हम डिसएग्री नहीं करते। पर जो बात भूमिहार की हुई, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सैयद जी, क्योंकि आप काफी गंभीर काफी रिसर्च के साथ आते हैं, मेरे पास ये न्यूज आर्टिकल है और ये है सिनारी कार्नेज का, सिनारी नरसंहार का। और ये सिनारी नरसंहार का अब देश को याद होगा कि किस तरीके से 1989 मार्च 1989 में 34 भूमिहारों का कत्लेआम कर दिया गया था, और वो तब हुआ था सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाद जब राबड़ी देवी की सरकार जो है उस वक्त बनी थी। तो ये देश अच्छी तरीके से जानता है और बिहार अच्छी तरीके से जानता है कि अगर किसी ने भूमिहार या किसी भी जाति के खिलाफ अगर कोई राजनीति करी है तो आरजेडी ने करी है। हमारी पार्टी
एनडीए नीतीश कुमार जी और जो पूरा घटक दल है वो सभी जातियों को साथ में लेकर जाने की बात करता है। जिन स्पेसिफिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं सैयद जी, वो स्पेसिफिक व्यक्ति के घर में शादी भूमिहार के साथ हुई है, तो ये कहना कि वो एंटी भूमिहार है, मेरे हिसाब से ये नहीं सही होगा, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिया जाएगा। परंतु एक और बात मैं स्पेसिफिक कहना चाहता हूं सैयद जी, और इससे अपनी बात को खत्म करूंगा। अगर मैं सिर्फ जी 10 सेकंड में लूंगा, अगर मैं सिर्फ टिकट वितरण की बात करूं आरजेडी के, तो आप ये पाएंगे कि अगर आरजेडी कहती जितना जाति जिसका जितनी आबादी उसका उतना हक, उस हिसाब से तो उनका टिकट वितरण ही नहीं हुआ है। मान लीजिए यादव समाज की जो जाति है का परसेंटेज 17-18% ज्यादा हो गया, दिया गया 40% टिकट वितरण, तो वो लॉजिक तो ये अप्लाई नहीं करते जी। अगली बार आते हैं, बहुत धन्यवाद रुकने के लिए। लेकिन जो आपने आंकड़ों की बात की प्रदीप जी, आज भी मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, और जिस नरसंहार का आपने उल्लेख किया प्रदीप जी, एक और नरसंहार आप दलितों का भूल गए, हम इसका उल्लेख बिल्कुल नहीं करना चाहते थे लेकिन आपने कर दिया इसलिए कर रहे हैं, वो ब्राह्मणों और दलितों का नरसंहार जिसमें आज तक किसी को सजा नहीं हुई, समाज में खाई पैदा होती है, वो भी याद कीजिए प्रदीप जी। हमें, आप राजनेता हैं, इस तरह की बात कर लेते हैं, और हमें राजनेताओं से सिर्फ यही आपत्ति है कि वो इस तरह की बातें करते हैं। खैर, मैं अगली बार आता हूं तो आप जवाब दीजिएगा प्रदीप जी। प्रोफेसर नवल किशोर जी, प्रोफेसर साहब, लालू प्रसाद यादव जी के बारे में यह कहा जाता है कि एमवाई की राजनीति वो करते हैं, एमवाई का नारा भी दिया गया, और एक नारा सर और हम आपको याद दिलाएं, भूरा बाल, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। सर ये कब तक चलेगा, जाति ब्राह्मण क्षत्रिय भूमिहार राजपूत दलित, और क्यों चलेगा सर? आप तो प्रोफेसर हैं सर, आपको कभी लगता नहीं कि यह सब नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और माननीय अध्यक्ष और देश के सबसे लोकप्रिय नेता, सामाजिक न्याय हो, धर्मनिरपेक्षता हो, इसके आधार पर जो सबसे आज के डेट में भी लोग मानते हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा है। जहां तक आप जाति की बात कर रहे हैं, अगर लालू जी की बात की जाए तो मंडल कमीशन को लागू करने में उनकी बहुत अहम भूमिका रही है। मंडल कमीशन जो लागू हुआ वो एक जाति का थोड़े सवाल था, वो लगभग 3000 से ज्यादा जाति का सवाल था, और जब भी उन्होंने कहा है जातिगत गैर के बराबरी की बात की है, उन्होंने ऑन एयर आज तक के मंच पे ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने कभी नहीं कहा भूरा बाल साहब कहो, ये उनका षड्यंत्र था। जो लोग उस समय पत्रकारिता में थे वो उनको बांटना चाहते, उनके खिलाफ एक माहौल तैयार करना चाहते थे, ये बात वो कह चुके हैं कई बार। उसके बाद भी ये बात आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि इस पर आपको सोचना चाहिए और इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। मैंने तो नारा याद दिलाया, कोई बात नहीं, आप बात पूरी कीजिए, मैं रोकूंगा नहीं आपको, मैंने सिर्फ नारा याद दिलाया। नंबर एक जी, सुन लीजिए पूरी बात, पूरी प्लीज बात पूरी कीजिए। दूसरी बात, जहां तक जातीय जनगणना का सवाल है, जातीय जनगणना पर पूरे विश्व का एक ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि बिहार में तो हो सकता है लेकिन देश में नहीं होगा। ये दोहरापन चरित्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, और जदयू जो उनके संगत में रहती है वो उनके अपने उम्मीदवार, चाहे शिवहर के हों चाहे सीतामढ़ी के हों, नाम आप खोज लीजिएगा, स्टेटमेंट देख लीजिएगा, जाति का नाम लेकर वो कहते हैं कि इसका काम नहीं करेंगे, इस जाति का हमको वोट नहीं चाहिए। तो जिस तरह की बात कह रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर उनका आचरण स्वीकार कर रही है। और प्रदीप जी अभी बोल रहे थे, उनसे पूछिए जो देश का 15% मुसलमान है, लगभग 20 करोड़ है, कितने लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। ये जो सबकी हिस्सेदारी की बात है, आज भी राष्ट्रीय जनता दल इकलौता दल है पूरे देश में जो रोस्टर के आधार पे ऑफिस बेयरर को नियुक्ति की है। आप पता कर सकते हैं कि चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे प्रदेश महासचिव हो, हर की संख्या में बिहार में जिलावार जो है वो रोस्टर के आधार पे, जितनी जिसकी संख्या उसके आधार पे है। जो लोग हमारे यहां से जीते हैं या चाहे हैं, वैसे लोगों का नाम भारतीय जनता पार्टी सोच नहीं सकती है। कहने को तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश में जाति ही नहीं है, जब जातीय जनगणना की बात होती है तो कहते हैं नहीं, जाति तो है ही नहीं, गरीब है, महिला है, दो मिनट युवा है, मजदूर है, यही हमारे लिए जाति है। तो इस तरह का जो चरित्र है
वो भारतीय जनता पार्टी अक्सर दर्शाती रहती है। सही बात यह है कि जो जातीय गैर बराबरी है वो एक समस्या है, वो दूर होनी चाहिए, जातीय जनगणना के आधार पर उसको दूर की जा सकती है। लेकिन जिस तरह जाति का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नाम पे सबका नाश करती है, वो उसका चरित्र है। और उसके साथ में रह के जदयू ने वही चीज ट्रेनिंग लेकर वो काम कर रही है और अपने ही लोगों के बीच में जब बात करती है तो जाति का नाम लेकर बात करती है। बहुत धन्यवाद। और जहां तक भूरा बाल की आपने बात की थी, मैं मुझे इसलिए नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी कि आप अवश्य ये कह जरूर रहे नवल जी कि वो लालू जी ने नारा नहीं दिया था, लेकिन आप भी जानते हैं लालू जी ने ऑन एयर कहा है। सही साहब, आप पता कर, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। लालू जी ने ऑन एयर कहा है कि जिस पत्रकार को कहा है, आप खोज कर लाइए कि कहां मैंने कहा है, ठीक है, फिर मैं उस पर बात करूंगा। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आपको लगता है कि वाकई भारतीय राजनीति में ये जो जाति आधारित राजनीति होती है ये खत्म होनी चाहिए? और जिस तरह से अंजुम जी ने, प्रदीप जी ने, नवल जी ने ये स्वीकार किया है खुले तौर पर अच्छे मन से, आप भी ये मानते हैं कि हाँ, आप भी, कांग्रेस भी ये करती है, और आप पर तो जाति से आगे धर्म की राजनीति करने के आरोप लगते हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण के आज से नहीं सदियों से आरोप लगते रहते हैं, ये बंद होना चाहिए सर? देखिए, आरोप तो लगाना विपक्षी दलों का काम है, वो करते हैं, लेकिन फैक्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति और धर्म आधारित राजनीति को लेकर अपना बेस नहीं बनाया है। हम कभी जातिगत आधार पर न वोट मांगते हैं, न धार्मिक आधार पर वोट मांगते हैं। ये काम तो उन लोगों का है जो आज केंद्र की सरकार में टिकट देते हैं कि नहीं। मैं आपको इतना स्पष्ट कर दूं कि एक बेहतरीन टॉपिक, एक सेकेंड, टिकट तो देखिए कुछ सामाजिक प्रतिबद्धताएं होती हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप कुछ काम करना होता है, हमें दिखानी होती है, और हमारा कमिटमेंट भी होता है कि हम समाज के सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलते हैं। जब हम संविधान में कहते हैं कि राइट टू इक्वलिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, जब हम सबको समान अवसर, समान अधिकार देना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें वंचित वर्ग के लोगों को भी, या जो अछूता है, जिसको, जिसके पास विकास नहीं पहुंची है, उसके विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए हमें वो सब कदम उठाने पड़ते हैं। राजनीति की मुख्य धारा में समाज के सभी वर्ग के लोग कब आएंगे? जब आप उनको चुनाव लड़ने के लिए अनुमति देंगे, अपना उम्मीदवारी देंगे, अपनी पार्टी में जगह देंगे। तो कांग्रेस पार्टी इस काम को बखूबी पहले से भी करती आ रही है, आज भी कर रही है, और मेरा विश्वास है कि अभी हमारे वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने लगातार इस बात को दोहराया है, बार बार दोहराया है कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। उनका मतलब क्या, मकसद क्या है? हम समाज के हर वर्ग के लोगों को विकास की उस धारा को पहुंचाना चाहते हैं उनकी आबादी के हिसाब से। विकास की बातें सिर्फ अखबार में रह जाए, पेपर में रह जाए और आम जनता तक नहीं पहुंचे, यह कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। हम चाहते हैं विकास का अगर एक एक रुपया कहीं निकलता है विकास मद में, तो समाज के हर वर्ग के लोग उसका लाभ उठाए, उस तक विकास पहुंचे, यह हमारी मंशा, इससे हम चाहते हैं और ये हमारा कमिटमेंट है। और जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ये बात कह दिया है तो हम भी करा के रहेंगे। बिहार तो एक एग्जाम्पल है, मैं आपको एक सिंपल चीज बता रहा हूँ। बिहार में जब जातीय जनगणना की बात हुई, विधानमंडल दल ने संयुक्त रूप से फैसला लिया और प्रस्ताव भेजा दिल्ली को कि बिहार में जातीय जनगणना हम चाहते हैं, सभी पार्टी के लोग शामिल थे। लेकिन दिल्ली जाकर बीजेपी एक कदम पीछे हट गई, बीजेपी ने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे। प्रेमचंद जी, दो मिनट हो गए। फिर बिहार सरकार ने, जिस सरकार में बीजेपी शामिल नहीं थी, उसने अपने बलबूते, अपने खर्चे, अपने साधन से हमने जातीय जनगणना कराया, ठीक, ये तो हमने दिखाया है। और मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहता हूँ जी, आज भंडारी जी कुछ और कह रहे थे, मैं आपको बता दूं, बिहार में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए पिछले एक दो सालों में, चाहे नौकरी देने की बात हुई, शिक्षकों को अपॉइंटमेंट लेटर देने की बात हुई, उस सरकार में बीजेपी शामिल नहीं थी, कांग्रेस थी, आरजेडी थी, वामपंथी पार्टी। सर समाप्त कीजिए, बीजेपी 2.5 मिनट से ऊपर हो गए, आगे आगे जब आपका मौका आएगा तो बीजेपी सरकार में नहीं थी। ठीक, प्रेमचंद जी, प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी मैं धीरेन्द्र कुमार जी से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद आपके पास आता हूं। धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप मंत्री अशोक चौधरी के बयान से आप सहमत हैं कि नहीं? आपके सहयोगी हैं क्या, आज आप उनकी निंदा करेंगे अगर सहमत नहीं हैं तो? और आपकी पार्टी तो एक वर्ग विशेष की पार्टी मानी जाती है, तो क्या आपको लगता है कि हाँ, भारतीय राजनीति में धीरेन्द्र जी, जातियों का प्रभाव है, स्वतंत्रता पश्चात से चला आ रहा है चुनावों में, राजनीति में, और क्या आपको लगता है कि ये समाप्त होना चाहिए, खत्म होना चाहिए? धीरेन्द्र जी,
सईद जी, दो तीन आपने प्रश्न किए हैं जी। एक तो मंत्री अशोक चौधरी जी के बयान की मैं कड़ी निंदा करता हूं और उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, और संयोग से आप जिस जाति की चर्चा कर रहे हैं भूमिहार की, मैं उसी जाति से आता हूं। तो ये मैं बता दूं कि यह जाति जो है वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण जी, जिनके बारे में आपने कहा है अगर किसी दलितों को सबसे पहली बार देवघर मंदिर में एंट्री की बात हुई थी तो उन्हीं के जमाने में हुई थी। उस समय बिहार प्रदेश देश के 4-5 अग्रणी राज्यों में हुआ करता था। आज उसी मॉडल को लेकर के नीतीश जी भी विकास पुरुष कहलाए हैं। ये वो जाति है, ये कभी पीठ दिखाने वाली जाति नहीं रही है। चाहे किसानों के आंदोलन के सबसे बड़े सहजानंद जी रहे हो, उन्होंने भी संत की उपाधि पाई है। भूमिहार के बारे में जिस तरह की टिप्पणी किया गया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं पता नहीं किस तरह से उन्होंने बोला है, जिससे अभी जनता दल यू ने भी खुद को किनारा किया है और बेहद ही निंदनीय है। दूसरी बात, जातीय व्यवस्था, बिल्कुल जातीय गणना होनी चाहिए, हमारे नेता ने भी स्वीकार किया है और अमित शाह जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने भी कहा है कि समय पर इसको सूचित किया जाएगा, कराएंगे भी, और इसलिए कराएंगे ताकि नफरत नहीं फैलाए, इसलिए कि कौन से लोग कहां हमारे छूट गए हैं उनको हम कैसे मुख्य धारा में ला सके। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के लोग या कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, उनके कई 2-4 प्रांतों में तो अभी सरकारें हैं सईद जी, कोई रोल मॉडल तो बनाना चाहिए था उनको जी। कोई पायलट प्रोजेक्ट लेकर के आते कि ये कराने के बाद हमने ये किया है, हम पूरे तरीके से कह सकते हैं जिम्मेवारी से कि उसको हम लोग लागू करते। लेकिन सिर्फ जॉर्ज सोरस ने कह दिया है, किसी विदेशी एजेंडे पर ये लोग काम करने वाले विपक्ष के लोग हैं, तो इनको इनको जाति में सिर्फ अपनी राजनीति दिखती है। मैं इस बात को बिल्कुल जिम्मेवारी पूर्वक कह रहा हूं कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हो, आप जिनको कह रहे हैं कि सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। हमारी पार्टी में ऐसे कई कितने समाज, अल्पसंख्यक समाजों के भी, अल्पसंख्यक समाज के भी लोग हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं सईद जी, और दलित तो है ही, साथ में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हमारे संस्थान। जी आपको रोकना पड़ रहा है, यहाँ पर एक बड़ी खबर आ गई है और वो ये कि बेगूसराय में जबरदस्त हंगामा हुआ है। गिरिराज सिंह मंत्री के दरबार में, जनता दरबार में हंगामा हुआ है और वहां पर हंगामे का आरोप गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी पर लगा दिया है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता मोहम्मद सैफी को हिरासत में भी ले लिया है। तो गिरिराज सिंह का बेगूसराय में जनता दरबार चल रहा था, वो लोगों से उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियों को सुन रहे थे और वहाँ काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर वहाँ पर वो आए हुए थे, तब यह हंगामा हुआ। का दरबार यानी सारे अधिकारी जनता के साथ जनता की समस्याओं को सुन करके चलने लगे। वो पहले तो बोला हम अपना बर्दाश्त करते हुए आगे निकल गए, लगा कि अब मेरे ऊपर हमला करेगा, ऐसा व्यवहार किया लगा कि, और फिर मुर्दाबाद का नारा लगाना लगा। दुर्भाग्य यह है कि उसको दाढ़ी होने के कारण आज तेजस्वी यादव भी उसके तरफ से खड़े हो गए, अखिलेश यादव भी उसके लिए वोट के लिए खड़े हो गए, लेकिन गिरिराज सिंह ऐसे चीज़ों से डरता नहीं है। और मैं लखमिनिया, बलिया, बेगूसराय या देश में जो भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहेगा उसके खिलाफ हमारी आवाज़ उठती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आपने सुना, आम आदमी पार्टी के नेता पर उन्होंने आरोप लगाया है हंगामा करने का, पुलिस ने मोहम्मद सैफी को हिरासत में भी ले लिया। हम चर्चा पर लौटते हैं। भारतीय राजनीति में जातियों की राजनीति और एक ऐसा बयान बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का जो वाकई दो जातियों के बीच में, और धीरेन्द्र जी ने कहा कि मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, साफ तौर पर उन्होंने कहा। अंजू महाराज जी आप ही के सहयोगी हैं, देखिए धीरेन्द्र कुमार जी, और जब वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि इससे मनमुटाव पैदा होता है, समाज में दरार पैदा होती है, हालांकि आपने बहुत साफ गोई से कहा था कि हां
राजनीति में टिकट बंटवारे में प्रतिनिधित्व में जातियों का समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जाता है, ये नहीं होना चाहिए। सईद जी नहीं नहीं अंजुम जी एक सेकंड, धीरेन जी मैं अंजुम जी के पास आ गया हूँ, दोबारा दूसरे राउंड हमारा शुरू हो चुका है और आप स्वतंत्र हैं अगर आप एक दूसरे से कुछ पूछना चाहें तो, लेकिन बिना किसी को टोके हुए। 10 सेकंड में हम अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। अच्छा एक मिनट अंजुम जी, एक मिनट रुक जाइए अंजुम जी, एक मिनट जी, धीरेन जी बताइए। देखिए ये बात हम बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, अभी आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि ये ऑन एयर बोला गया है, कहां गया बोला गया है बताइए। यहां पे बैठे हुए हैं हमारे वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको भी पता होगा कि क्या बोला गया था। भूरे बाल साफ करो और परवल को काट दो, ये सब बातें तो हुआ करती थी, और सबसे ज्यादा आरजेडी के समय में 10 झेला था तो इसी जात ने झेला था, इसको भी कहीं नहीं है, नरसंहार वही नहीं हुए थे वहां पर, सेनानी में हुआ, 12 में भी हुआ था नरसंहार। तो इन सब चीजों को अगर आरजेडी आज राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की चीजों को हमारे हिमायती बनती है तो मुझे लगता है कि उससे भी परहेज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अफवाह तरह तरह का चलाना ये तो बंद करें, अब वो दौर नहीं रहा। मैं इज्जत करता हूँ लेकिन उस जमाने में ऐसा बोला गया था नवल जी, ये बात भी सच्चाई है। ठीक है, बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात का समर्थन कर दिया धीरेन जी, इसके लिए धन्यवाद आपका। देखिए नवल जी भी अब मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। हम अंजुम जी आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि आपके सहयोगी हैं धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, नवल जी आपको याद नहीं। अच्छा अच्छा रुकिए तो रुकिए एक सेकंड आगे चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक सेकंड नवल जी, धीरेन जी, आप दोनों से निवेदन आपसे कि आप प्लीज फिर भूल जाएंगे। नवल जी, धीरेन जी, आपसे निवेदन, हम चर्चा पर लौटते हैं, अपने अपने विषय पर आते हैं। अंजू महाराज जी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र जी ने कड़ी निंदा की है आपके मंत्री अशोक चौधरी की, आपके साथी हैं, सहयोगी हैं, एलजेपी आपकी साथी है, आपको नहीं लगता कि पहले से आप में मनमुटाव चल रहा था? चिराग पासवान ने जिस तरह से नीतीश कुमार के बारे में जो बातें कही हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है, ठीक है आप साथ में हैं, लेकिन इस तरह की बातों से आप में और मनमुटाव होगा और दरारें पड़ेंगे, आपको ऐसा नहीं लगता? कोई मनमुटाव नहीं सईद जी, देखिए एनडीए जो है, एनडीए के जितने भी घटक दल है और इसके जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, इन बिटवीन तमाम लोगों के बीच में कोई ना इत्तफाकी नहीं, कोई मनमुटाव नहीं है। देश को सशक्त बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पे हम तमाम लोग उनके साथ खड़े हैं, पहली बात। दूसरी बात, जाति को लेकर के जो आपने सवाल किया कि देखिए सईद जी, किसी जाति में पैदा होना ये एक सच्चाई है, सामाजिक सच्चाई है, लेकिन जातिवादी होना वो एक अलग बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी भी किसी भी जाति का नाम अपने शब्द उन्होंने जबान पे नहीं लाया है। चल जी एक चीज और मैं कहूंगी कि पिछले 90 वर्षों से अशोक चौधरी और... जी के बारे में क्यों कुछ नहीं कह रही है? नहीं नहीं, हमारे माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी ना, धीरेन जी बोल रहे हैं कि मैं कड़ी निंदा करता हूँ अशोक चौधरी की, अब दीजिए जवाब धीरेन्द्र जी को, अब बोलिए कि मैं भी निंदा करती हूँ। बिल्कुल, देखिए जो चीजें उन्होंने पहली बात की, आदरणीय हमारे मंत्री ने कहा कि हमारे पूरे शब्दों को सुना जाए, वो कहीं ना कहीं वो आहत दिखे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विकास किया, न्याय के साथ तमाम वर्गों का विकास किया। नीतीश कुमार जी कहां से आ गए अंजुम जी? पहले सुनिए, पहले आप अशोक चौधरी जी की बात कीजिए ना, आप देखिए आपको जो समय मिला है वो आप समय नष्ट कर रही हैं। नहीं, हम नष्ट नहीं कर रहे, हम आप ही के सवालों का जवाब सईद जी दे रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बातों को आगे कह रहे थे। मैंने आपसे प्रश्न, धीरेन जी, मैंने तो कहा कि धीरेन्द्र जी नाराज हैं, वो कड़ी निंदा कर रहे हैं, कैसे संतुष्ट करेंगे आप? ये धीरेन्द्र जी की अपनी सोच हो सकती है। अरे आपके साथी हैं भाई, मेरे माननीय आपके गठबंधन के साथी हैं। सईद जी, पहले जवाब मेरा, या तो हमारे माननीय मंत्री के बातों का ले लिया जाए या फिर धीरेन्द्र जी के बातों का ले लिया जाए, दोनों को रिलेट आप कर दे रहे हैं, तो आप तो धीरेन्द्र जी की बात का जवाब दे दीजिए यहाँ पर जी। नहीं तो धीरेन्द्र जी की ये अपने सोच हो सकते हैं, लेकिन जिस आदरणीय अशोक चौधरी जी की बात आप कर रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने सही बात अभी कही हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ने, उनके घर में मतलब इवन की मैट्रिमोनियल रिश्ते उस वर्ग में हुए, कहां से वो कास्ट लाइन वाली बातें ले सकते हैं? बिल्कुल वो आहत थे कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, प्लीज मेरे टाइम लाइन में ना आए ना, नहीं तो फिर मैं भी आना शुरू कर दूंगी, आपके भी टाइम लाइन में मैं जाऊंगी फिर। तो वो उनका कहना था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी न्याय के साथ सबका विकास करते, फिर जब वोट देने की बात आती है तो लोग
जातिगत चीजों में या फिर जो भ्रामक बातें और दलों के द्वारा होती, लोग उसके बहकावे में चले जाते। वो अपनी इस पीड़ा को व्यक्त हमारे माननीय मंत्री कर रहे थे, कहीं से भी वो उनका एक निगेटिव वो कास्ट को लेकर के वो लाइट नहीं था। ठीक है अंजुम जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं उन लोगों की बातों से कम हमें तो ये समझ में आ रहा है कि जाति के आधार पर टिकटों का बंटवारा जो है वो समाज में संतुलन पैदा करने के लिए आप राजनीतिक दल करते हैं, और पांचों ने आपने कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया है। क्या यही सोशल इंजीनियरिंग है और आपको लगता है कि यही चलता रहेगा भारतीय राजनीति में प्रदीप जी, और इससे हम सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या कहीं ना कहीं हम अपने ही लोगों को एक दूसरे से बांट रहे हैं? सैयद जी, मैं वापस से कहूंगा कि जातिवादी राजनीति और जातीय रिप्रेजेंटेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार सभी जातियों का हित की बात करती है और सभी जातियों के रिप्रेजेंटेशन की बात करती है। आरजेडी और बाकी के घटक दल जो हैं वो उसके आधार पर सिर्फ वोट की बात करते हैं। मैं आपको सीधा उदाहरण दूंगा। अभी इन्होंने कहा कि ये भूमिहार जैसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये मेरा लालू जी का 2021-22 का स्टेटमेंट, ये जो सभी न्यूज़पेपर्स द्वारा रिपोर्ट हुआ था, जहां वो भूमिहार को कह रहे थे कि जो 12 साल में हुआ उसको भूल जाओ, अब जो हम माफी मांगते हैं आगे की बात देखो। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैं आरजेडी की मंशा की बात जरूर मानता, अगर मुंगेर से वो अशोक महतो जो खुलेआम इस बात को स्वीकारते हैं कि वो भूमियारकों की हत्या जो है उसके अंदर उनने खुलेआम की है, मीडिया में वाइडली रिपोर्टेड है, इस चुनाव में 2024 का जो चुनाव हुआ अशोक महतो को इन्होंने मुंगेर से टिकट कैसे दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो भूमियारों के कत्ल की हत्या की स्वीकार रहा है मीडिया वाइज, क्यों दिया, ये सवाल उठता है। तीसरा बात कहना चाहता हूं, अभी गिरिराज जी से आपके स्क्रीन पर आए, गिरिराज जी एनडीए से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिस सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं दो बार भूमियारों ने उनको सपोर्ट किया, ललन सिंह जी वापस से एनडीए की सरकार के अंदर केंद्रीय मंत्री हैं, तो अगर आप लॉजिकली देखेंगे सैयद जी तो कोई भी जाति के रिप्रेजेंटेशन के साथ में विकास की बात एनडीए की सरकार करती है। आपने मुझसे एक सवाल पूछा दलितों के बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर एनसीआरबी का डेटा देखेंगे, और मैं ये एनसीआरबी के डेटा का एक अंश दिखाना चाहता हूं, इसके हिसाब से दलितों पे उत्पीड़न के मामले एनडीए की सरकार में लालू जी की सरकार से कम हुए हैं। अगर आप महिलाओं की अगर मैं बात करना चाहूंगा, मैं सोशल इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग की बात करेंगे महिलाओं की, मैं एक और डेटा पॉइंट दिखाऊंगा, नीतीश कुमार जी और बीजेपी और एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार की स्कीम से वो ज्यादा हुई है, वापस से ये डेटा पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम यहां पे जाति की राजनीति नहीं करते, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान की बात करी थी गरीब युवा अन्नदाता नारी पर। हां, हम जातियों को उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तभी एक ओबीसी प्रधानमंत्री बनता है, तभी एक आदिवासी जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं, और तभी हम इक्वल सोशल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। और मैं अपने विपक्ष की नियत के मैं 5 सेकंड लूंगा सैयद जी, मैं सही मान लेता अगर वो कर्नाटका के अंदर दलितों के फंड को छीन नहीं लेते। और एक और चीज, आपने नफरत की बात की, मैं बिल्कुल नफरत के अगेंस्ट हूं। आप तेजस्वी यादव जी का अभी का स्टेटमेंट देखिए, जब वो कह रहे हैं कि भाई ये चाइनीज माल है, जब हमारे हिमंत बिस्व शर्मा जी को वो चाइनीज की बात कर रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज से रेफर कर रहे हैं, तो क्या ये नस्लभेदी सोच नहीं दिखाती? और यही नस्लभेदी सोच उसी से रिलेट आप कर सकते हैं, जब मुंगेर में अशोक महतो जो जातिवादी सोच और जाति हत्या को स्वीकारते हैं उसको बोस्ट करते हैं, तो हम बिल्कुल भी जातिवादी राजनीति नहीं करते, हम जातीय रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और विकास की बात करते हैं। प्रदीप जी, हमें समझ में नहीं आता सच में, एक तरफ आप कहते हैं कि भाई समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए हम जातियों की बात करते हैं, समाज की मुख्य धारा में उन्हें लाने के लिए बात करते हैं, फिर एक तरफ कहते हैं कि नहीं हम तो, और हमें यह भी समझ में नहीं आता मेरा आप पांचों से ये प्रश्न है कि क्यों हम बीजेपी के राज में, कांग्रेस के राज में, या कांग्रेस शासित प्रदेशों में बीजेपी आरजेडी जेडीयू दलितों पर अत्याचार हुए, पिछड़ों पर अत्याचार हुए, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुए, हम क्यों नहीं कहते कि भारतीयों पर अत्याचार हुए, हम क्यों नहीं कहते कि हमारे भारतवासी पर यह अत्याचार हुआ, उसके साथ ये अन्याय हुआ? प्रोफेसर नवल किशोर जी, प्रोफेसर साहब, क्यों ऐसा होता है कि समाज के वर्ग को, किसी एक विशेष वर्ग को ऊपर लाने के लिए हमें उसके धर्म, उसकी जाति से उसे पहचानना पड़ता है? क्यों नहीं हम उसकी आर्थिक स्थिति से, हम उसकी समाज में उसकी स्थिति से उसे पहचानते हैं? और सबसे ज्यादा अगर किसी का इस बात पर आरोप लगता है तो वो आप पर लगता है, आरजेडी पर लगता है, ऐसा क्यों प्रोफेसर साहब? देखिए सैयद जी, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अगर संविधान को हम देखें
और संविधान में जो उपचार सुझाव दिया गया है उसको अगर ध्यान से पढ़िएगा तो संविधान ने माना है कि जो हमारे समाज में, खासकर जिसको आप भारतीय समाज हम कह रहे हैं, उसकी जो प्रमुख बीमारी क्या है, वो बीमारी के तीन आधार हैं। पहला आधार ये है कि ऐतिहासिक रूप से जो दमित वर्ग है जिसको SC कहते हैं, या जो भौगोलिक क्षेत्र में जो दमित वर्ग है जिसको ST कहते हैं, या शैक्षणिक और सामाजिक तौर पे जो पिछड़ेपन है, ये तीन पिछड़ेपन को संविधान ने रिकग्नाइज किया है। तीनों को उठाने का भी रास्ता उसने दिलाया है और वो है आरक्षण। आरक्षण के जो ये तीन आधार हैं, ये जातिवादी सोच नहीं है, ये जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए उपचार है। जहां तक हमारी राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय जनता दल या लालू जी हैं, उन्होंने जो एक तरफ रोटी जल रही थी, समाज की जो रोटी जल रही थी, उसको उन्होंने पलटा और वो मंडल कमीशन के आधार पर पलटा गया। आजादी के 40 साल बाद भी जब मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ, तब इसका मतलब था कि 3600 जातियों को वह अवसर मुख्यधारा में आने का नहीं मिल रहा था। तो ये जो संवैधानिक उपचार है उसको लागू करने से अगर किसी को सबसे ज्यादा घृणा हुई तो आप समझ सकते हैं कौन है। जो लोग अधिकार समझते थे पूरे संविधान पे, पूरे संसाधन पे और पूरे अवसर पे, उन्हें लगा कि हमारे हिस्से को काट कर दिया जा रहा था, जबकि सरकार के द्वारा जो निर्मित जो ये अवसरें थी उसमें वितरण का मामला था। और ये वितरण करने के लिए अब जो रास्ता अपनाया गया, जिसमें कि हम सब उसकी मांग करते हैं कि जब तक उस बीमारी की जानकारी नहीं होगी, और वो जानकारी जातिगत जनगणना से ही हो सकती है, अगर जो पिछड़ापन है, अगर जो पीड़ित है, अगर जो दलित है, उसका आधार पहले से अगर तय है तो उसको जानना जरूरी है। आपको यह भी मालूम होगा कि ये जो कास्ट काउंट की बात की जा रही है, कास्ट काउंट तो SC की पहले भी होती थी, ST की पहले भी होती थी, और उनके परसेंटेज के आधार पे भी आरक्षण का सीमा तय किया गया था। OBC की गिनती नहीं हुई थी, इसी कारण से 52% होने के बाद भी 27% दिया गया। तो जी, ये जो हम बात कर रहे हैं वह समावेशी विकास का रास्ता है। कहने को सबका साथ सबका विकास, लेकिन विनाश करने में कभी पीछे नहीं हटते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम OBC से आते हैं, पूरा भारतीय जनता पार्टी कहती है OBC की काउंटिंग क्यों नहीं हो सकती है, ये तो संविधान संगत है। दूसरी बात, तो उनके पीछे एक संगठन है। थोड़ा सा संक्षेप में निवेदन आपसे, एक को छोड़ के एक ही जाति से है, जातिवादी कौन है? पूछिए भंडारी जी से कि जातिवादी कौन है। ठीक है, प्रेमचंद मिश्रा जी मैं जवाब दे सकता हूं। जात पर ना नहीं आ रहे हैं प्रदीप जी, मिश्रा जी का नंबर है, उसके बाद आपके पास मैं आता हूं। जात पर ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पर, ये वर्षों पहले कांग्रेस ने एक नारा दिया था, अगर हम गलत नहीं है तो 80 के आसपास ये नारा था, आप ठीक कर दीजिएगा। लेकिन मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि ये नारा बिल्कुल ठीक है सर, अगर 80 में ये नारा दिया गया मिश्रा जी, तो तब से लेकर आज तक हम उस जाति व्यवस्था से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और हमें लगता है कि आपके इस नारे, कांग्रेस के इस नारे के बाद तो ये जातिगत राजनीति और तेजी से शुरू हुई है, कम होने के बजाय बढ़ गई। ऐसा क्यों मिश्रा जी? और हम सिर्फ जातियों को प्रतिनिधित्व देना, इस जाति को आगे बढ़ाना करना, इसे समाप्त करने की बात कभी मिश्रा जी क्यों नहीं करते? देखिए, मैंने आरंभ में ही अपने संबोधन में कहा था कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कभी जाति या धार्मिक आधारित राजनीति नहीं की। जब मेरा ये नारा था कि न जात पे न बात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो वो अपने आप में एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट करता था कि हमारी सोच क्या है, कांग्रेस की दृष्टि क्या है। हम आज भी उसी आधार पर चुनाव लड़ते हैं। इस चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव में भी हमने अपने राहुल गांधी जी की जो गारंटी हमने दिया था, कांग्रेस की तरफ से हमारा जो वचन पत्र आया था, हम उसी आधार पर चुनाव लड़े। पॉइंट क्या है कि आपने सवाल उठाया है बहुत महत्वपूर्ण, कि ये खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है जी। इसके लिए सभी दलों को, सभी समाज के हर वर्ग के लोगों को एक राय बनानी पड़ेगी, एक मंच पे आना पड़ेगा और समान दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। ये कोई एक पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये सच्चाई है, वातावरण है। मैंने कहा ना, कांग्रेस पार्टी चाहती है हम समाज के हर वर्ग के लोगों को समान अवसर दें, उसे समान अधिकार दें। तो राइट टू इक्वालिटी विथ इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये हमारे संविधान की भी दृष्टि में शामिल है, हम उसी को मानते हैं। तो ये कब होगा? अगर समाज के हर वर्ग के लोगों को आप आगे लाना चाहते हैं तो उनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। राजनीति की मुख्यधारा में अगर लाना है तो उन्हें लोकसभा विधानसभा की टिकटें देनी होगी, तभी जीत के आएंगे, अपना कंट्रीब्यूशन देंगे,
उनका महत्व बढ़ेगा, उनका उनकी भूमिका बढ़ेगी। तो ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को सबको मान लेना चाहिए, लेकिन कोशिश ये जरूर होनी चाहिए कि हम जाति उन्माद की राजनीति या धार्मिक उन्माद की राजनीति से दूर रहें। वो हमारे देश के लिए, समाज के लिए खतरनाक है, उससे सोशल कन्फ्रंटेशन बढ़ता है, धार्मिक उन्माद से धार्मिक कट्टरता बढ़ती है, रिलीजियस कन्फ्रंटेशन बढ़ता है। ये दोनों जो कन्फ्रंटेशन है, रिलीजियस कन्फ्रंटेशन एंड सोशल कन्फ्रंटेशन, ये हमारे समाज को तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे विकास को भी प्रभावित करता है। इसलिए मैं समझता हूँ सभी दल एकजुट हो जाएं, एक राय बनाएं, एक मंच पर आएं, तो कांग्रेस पार्टी इस पहल का स्वागत करेगी, या बल्कि हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी इस पहल करने को तैयार है। राहुल गांधी जी की स्पष्ट सोच है, उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है। हमारी मंशा क्या है, हम समाज के हर वर्ग को मौका देना चाहते, न सिर्फ अपनी पार्टी में बल्कि उनके हर स्तर पर उन्हें आगे अगर लाना है उन्हें समान अवसर देना पड़ेगा, उनके अधिकारों को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आप देखें, आपने जिस बिहार सरकार के एक मंत्री का जो टॉपिक में रखा है, मैं उस पर नहीं आया था, मैं एक 10 सेकंड में बोलना चाहता हूँ। बोलिए जी। ये पहला मौका नहीं है कि जेडीयू के किसी मंत्री ने या किसी नेता ने इस तरह की बात कही है। ठीक, उन्होंने बहुत गलत बात कही है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले ही जब चुनाव संपन्न हुआ, सीतामढ़ी से लोकसभा के सांसद चुने गए जेडीयू के, उन्होंने तो दो वर्ग विशेष का नाम लेके कहा कि इन लोगों ने हमको वोट नहीं किया है, ये हमारे घर में आएंगे, इनको चाय पिलाऊंगा, नाश्ता कराऊंगा, लेकिन इनका कोई काम नहीं करूंगा। बिल्कुल सोचिए, ये सोच क्या दर्शाता है, ये गलत बात है। कि आप स्पष्ट रूप से पब्लिकली बोल रहे हैं कि हम इनका काम नहीं करेंगे, तो वोट नहीं किया। जी समाप्त कीजिए। एक आदमी कह रहा है कि नहीं, भूमिहार वर्ग का है, इसने हमको वोट नहीं किया, इसका काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जेडीयू लीडरशिप को स्वीकार करने की स्थिति को स्पष्ट करनी सोचना चाहिए। हम अंजू महाराज जी से चाहेंगे कि आपके इस प्रश्न का वो उत्तर दें। अंतिम 4 मिनट हैं, हम 5 मिनट 1 मिनट और बढ़ा लेते हैं कहकर, एक एक मिनट में आप अपनी बात खत्म कीजिएगा। धीरेन्द्र जी प्लीज, 1 मिनट से ज्यादा मत लीजिएगा। आपको लगता है धीरेन्द्र जी वो जो मंडल कमंडल की राजनीति शुरू हुई थी और वो वीपी सिंह के टाइम जो आरक्षण का आंदोलन था, मंडल कमीशन के बाद जो वो भारतीय राजनीति में जाति आधारित राजनीति को लेकर कभी ना भूलने वाला कालखंड था, और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है? धीरेन्द्र जी देखिए, मंडल कमीशन कोई खतरनाक कमीशन तो था नहीं। ये जो पीछे रह गए थे, उस वंचित वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अगर उनको मुख्य धारा में लाने की बात थी तो ये तो बड़ा ऐतिहासिक कदम था, जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संवैधानिक दर्जा भी दिया पिछड़ा आयोग को। तो ये इससे जातीय उन्माद नहीं फैलता है। अगर आप किसी विशेष वर्ग को जो समाज में पीछे रह गए हो उनको आगे लाने की बात हो रही है, लेकिन अगर किसी एक विशेष जात पर लेकर के और उनके कुछ टिप्पणी उन पर की जाए, ये घातक होता है, न कि उनको विकास के मुख्य धारा में लाना। ठीक है सर, आपको आपको सिर्फ इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम है। अंजुम जी सिर्फ 1 मिनट में, आपको लगता है कि इसी तरह जेडीयू आगे बढ़ती रहेगी और अशोक चौधरी मंत्री जी का आप अभी भी इसी तरह से समर्थन करती रहेंगी और अपनी बात पर अड़ी रहेंगी या उनकी निंदा भी करेंगी? नहीं नहीं, सईद जी, इसके पहले अशोक चौधरी जी के बयान को लेकर के मैंने चीजों को स्पष्ट कर दिया, लेकिन अभी जितने भी पैनलिस्ट बैठ कर करके, चाहे कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, बहुत प्यारे प्यारे शब्दों के साथ प्यारी प्यारी बातें इन लोग कर रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से, मंडल कमीशन करके पूरी राजनीति और राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकाल भी उसी आधार पर आधारित भी रहा, लेकिन मुंगेरी लाल कमीशन की बात ये क्यों नहीं करते, क्यों चुप्पी साध जाते हैं? अभी हमारे आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी प्लीज, आपको इसलिए रोक रहा हूं कि समय बहुत कम है। प्रदीप जी अंत में, प्रदीप जी प्रेमचंद मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई आइए बैठिए तो सही, हम स्वागत करते हैं, अगर इसे हम समाप्त कर दें तो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी पार्टी की आज है, क्यों पहल नहीं होती आपकी पार्टी की तरफ से? मैं उनकी बात को अग्री करता, अगर ये मिस वर्ल्ड की जाति नहीं ढूंढते, अगर ये सेना में धर्म नहीं ढूंढते, अगर ये मीडिया वाले और प्रोफेशनल्स में ये नहीं बोलते किसकी कितनी जाति है, किसको किस जात के हिसाब से नौकरी मिलनी चाहिए, ये तो मिस वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर जाति ढूंढने की बात कर दिए। सैयद जी, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ओबीसी कमीशन को 50 साल तक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं देखा है। आरजीडी की प्रवक्ता बात कर रहे थे मंडल कमीशन की, मंडल कमीशन कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाए और कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर रही है। तो इनके विरोधाभास से कथनी और करनी के बीच में ये राजनीति डेवलपमेंट की नहीं करते, डेवलपमेंट। प्रदीप जी आपको यहाँ पर मुझे रोकना पड़ेगा, क्षमा के साथ अगली बार बात पूरी करेंगे, आपकी बात पूरी सुनेंगे। प्रदीप भंडारी जी, प्रेमचंद मिश्रा जी, अंजुम मारा जी, प्रोफेसर नवल किशोर जी, धीरेन्द्र कुमार जी, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय राजनीति में और विशेषकर बिहार में
आज बिहार के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, जाति का औचित्य है और जातियों की राजनीति होती है, जातियों को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर सोशल इंजीनियरिंग की बात होती है, लेकिन अफसोस हमारे राजनेता कभी हमें भारतवासी भारतवंशियों के तौर पर नहीं देखते, हमें वो जातियों में बांट कर देखते हैं। ये भारतीय समाज के लिए, आपके लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है, उनकी राजनीति के लिए भले ही ठीक है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज।